मोहिनी ग्राम तमाम इंसानियत का दर्द रखने वाले और तमाम दुनिया के मुस्तज़फ़ीन के हकूक के जिम्मेदार जो इस एसरबाग हाल में जमा हुए हैं, आज ये यौम-ए-क़ुद्स के जो हर साल अलविदाई जुमा जुमतुल विदा के मौके पर 1979 से बरामद हो रहा है। 1979 की वो तारीख के जब इंकलाब इस्लामी रकम हो रहा था, दुनिया के तमाम कर गसलीन लर्जा बरंदाम हो रहे थे, जब हकूक के पामाल करने वाले वरिसतुल अंबिया के मिस्ताह आयतुल्ला खुमैनी के कदमों की आहट से लड़ रहे थे, उस वक्त रूहुल्लाह मुस्लिम खुमैनी ने कुछ की बाजियाबी के लिए एक नारा दिया था कि कुछ ये मसला अरबों का नहीं बल्कि आलम इस्लाम का है। इसलिए आज हमारे दरमियान तमाम मकातिब फिक्र इस्लामिया के अफराद तशरीफ फरमा है। अब मैं बड़े ही अदब और इहतराम के साथ अपने जिम्मेदार उलमाए कराम से गाइस पर स्टेज पर आने के लिए गुजारिश गुजार हूँ। मैं गुजारिश करता हूँ हुज्जतुल इस्लाम पर मुस्तफी मौलाना सैयद हुसैन मेहदी हुसैनी साहब मद्दज़िल्लाहुल आली से, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद रूह ज़फ़र साहब मद्दज़िल्लाहुल आली, आली जनाब मौलाना सैयद ज़हीर अब्बास रिज़वी साहब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, आली जनाब मौलाना नजीबुल हसन ज़ैदी साहब, आप तमाम उलमाए किराम से दस बस्ता गुजारिश है। और उसी के साथ साथ हमारे दरमियान जनाब डॉक्टर सलीम खान साहब जो महाराष्ट्र में जमात इस्लामी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, हमेशा हक की आवाज़ों को बुलंद करने में जमात इस्लामी बिला तफरीक मजहब व मिल्लत साथ साथ रही। जमात इस्लामी ने इनकलाब इस्लामी ईरान को जनाब शाकिर शेख साहब वो भी तशरीफ लाए। मैं गुजारिश गुजार हूँ अपने तमाम उलमाए कराम से जनाब डॉक्टर असलम खान साहब शाकिर शेख साहब, और इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक और ये वक्त और ये घड़ी हमारा एहतजाज दर्ज हो, हमारी गुफ्तार पहुँचे, हमारे पैगामात आम हों, इसके लिए बड़े ही मुख्तसर से वक्त में मुख्तसर सी तकारीर के ज़रिए इंशाअल्लाह पैगामात को पहुँचाया जाएगा। मोमिनीन कराम आने वाली नस्लें हमेशा अपने बुज़ुर्गों की उंगलियां थामे हुए हमारे ऐसे जुलूस व जलसे में साथ होती हैं और यहीं से इनकी अमली तरबियत वजूद में आती है। हजरत गिरामी कद्र, मैंने आपकी खिदमत में अभी अर्ज़ किया कि पूरी दुनिया ने मिलकर इसराइल के नाजायज कब्जे पर को कि जो उसने सरजमीन इस्लाम फिलिस्तीन पर किया, ये फिलिस्तीन ये अरबों की सरजमीन नहीं है बल्कि ये इस्लाम की सरजमीन है, और 1979 में यही पैगाम दे करके आयतुल्ला मूसविल खुमैनी मद्दज़िल रिजवानुल्लाह ताला अलैह ने पूरी दुनिया पे ये साबित किया कि अगर ये मसला अरबों का मसला रहने दिया जाएगा तो ये अरब के जिन्होंने हक रसूल ना दिया, ये अरब के जिन्होंने हक ज़हरा पामाल किया, ये अरब हक फिलिस्तीन भी पामाल करके रख देंगे। लिहाजा आयतुल्ला खुमैनी का तदब्बुर था कि जिन्होंने पूरी दुनिया के सामने इनकलाब इस्लामी के फौरन बाद ये ऐलान कर दिया कि ये खुद ये फिलिस्तीन ये मस्जिद अक्सा ये क़िबला अव्वल ये सिर्फ अरबों का मसला नहीं है बल्कि पूरे आलम इस्लाम का मसला है। जो भी अपने आप को इस्लाम के धारे में समझता है का वो किसी भी मसलक से हो किसी भी जो है वो मिल्लत से हो, लेकिन अगर वो कलमा तैयबा ज़बान पर जारी रखता है तो ये पूरे आलम इस्लाम का मसला है। यही वजह है कि मीडिया और सोशल मीडिया आज भरा हुआ है कि जिसके ज़रिए ये बताया जा रहा है कि आयतुल्लाह खुमैनी ने इसे यौम इस्लाम कहा, यौम रसूलुल्लाह कहा है और इसे यौम कुद्स कहा है। लिहाजा
इसमें बहुत भारी जमीनियत तो नहीं साथ आएगी, लेकिन जो आएंगे वो मकसद मुतफक्किर जहानी होंगे, जो आएंगे वो अपने जहनों में एक इनकलाब बर्पा किए हुए होंगे, और यही इनकलाब की वो शमा है जो रोशन हुई है, और रफ्ता रफ्ता इंशाअल्लाह हम सरजमीन कुद्स को लेकर के रहेंगे। आपको याद है कि आयतुल्लाह जनाबे सैयद नसरुल्लाह से जब पूछा गया कि क्या आपके बच्चे या उनके बच्चे क़िबले अव्वल में नमाज अदा करेंगे, तो उन्होंने कहा कि उसकी बाजियाबी में इतना वक्त नहीं लगेगा कि मेरे बच्चे या उनके बच्चे नमाज अदा करें, बल्कि इंशाअल्लाह हम इतनी जल्दी कुद्स को हासिल करेंगे कि उसमें नसरुल्लाह नमाज अदा करेगा। लिहाजा ये बात वाज़े हो गई है। रहबरे इंकलाब आयतुल्लाह खुमैनी ने भी कहा है कि बहुत जल्द वो दिन आने वाला है कि जब क़िबले अव्वल बाजियाबी के साथ हमारे हाथों में होगा, और उसके लिए आज जो आप इस आलम में कि जहाँ ये जलती और सुलगती हुई धूप है कि जहाँ दाने डाल दिए जाएं तो भुन जाएं, लेकिन आपने इस धूप को शिकस्त दे करके जिस तरह से अपने अज़्म का इयादा करते हुए और अपने अज़्म को जाहिर करते हुए नमाज जुमा के फौरन बाद आपने अपने आप को यहाँ तक पहुँचाया है, इसके लिए इंशाअल्लाह आपका यही इशार, आपकी यही कुर्बानियाँ यौम कुद्स और सरजमीन मुकद्दस की बाजियाबी के लिए काफ़ी होगा। उलमाए कराम के बयानात होंगे, और इंशाअल्लाह मैंने इतनी बातें तारुफ के तौर पर आपकी खिदमत में की। 1947 से जब से हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, वही 1947 का सन था कि जब से इसराइल और इसराइल का नाजायज़ कब्ज़ा सरजमीन फिलिस्तीन पर न सिर्फ कब्ज़ा रहा बल्कि अपने चंगुल में लेकर के मस्जिद अक्सा को मुसलमानों का मजाक उड़ाया, और आज क़िबले अव्वल मुसलमानों के हक के साथ साबित है। ये हजरात बहुत ज़्यादा तोल न देते हुए गुफ्तगू को मुख्तसर करते हुए उलमाए कराम के बयान आप सुनेंगे। मुख्तसर सी तिलावत कलाम पाक के साथ इस जलसे का आगाज़ होगा। जुलूस आपने तमाम किया, अब ये जुलूस जलसे की सूरत में चंद लम्हे बैठ कर आपके तदब्बुर, आपके तफक्कुर और आपके जज्बों के ज़रिए इंशाअल्लाह इन पैगाम को आगे बढ़ाया जाएगा। मैं गुजारिश गुजार हूँ सैयद अली मूसवी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम पाक से इस जलसे मुकद्दस का आगाज़ करें। आप हजरात एक बुलंदतरीन सलावात के साथ कुरान मजीद की तिलावत का इस्तकबाल फरमाएं। मुंबई खोजा शिया इस नारसी जमात के सदर
जनाब सफदर करमाली साहब से गुजारिश है, आप हजरात मौलाना को सम... बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदना व नबीना मौलाना मुस्तफा मुहम्मद। कुछ इंसानियत की आवाज़ है, इंसानी समीर की बेदारी की आवाज़। मैंने अमीरुल मोमिनीन मकतबे हुर्रियत के अव्वलीन तर्जमान कि जिसने नहजुल बलागा की शक्ल में हमें एक मंशूर हुर्रियत दिया, उनके एक फ़िक्रे को आपकी खिदमत में पेश किया है, उसी के ज़िम्न में दो चार बातें और मैं आपकी ज़हमत को तमाम करूँगा। बुज़ुर्ग उलमा और दानिश्वर हज़रात यहाँ पर मौजूद हैं, उनको आप समाज फरमाएंगे। मौला ने हुर्रियत और आज़ादी को किस खूबसूरत अंदाज में बयान किया है, अला हुर्रुन यदौ हाज़िहिल लुमादा लिअहलिहा लिअन्ना लैसा लिअन्फुसिकुम समनुन इल्ला जन्ना फला तबीउहा इल्ला बिहा। इमाम फरमाते हैं कि क्या आज़ाद इंसान वो नहीं है जो इस दुनिया को उसके अहल के लिए छोड़ दे। यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल की है लुमाज़ा की। शहीद मुतहरी ने इस लुमाज़ा के जो माना बयान किए हैं वो ये कि इंसान जब खाना खाता है, खाना खाने के बाद कुछ ग़ज़ा उसके दांतों में रह जाती है, जो ग़ज़ा उसके दांतों में रह जाती है उसे इंसान खिलाल के ज़रिए से निकालता है। अगर कोई एक शख्स जो बहुत भूखा हो एक ऐसे इंसान को देखे कि जो खिलाल से अपनी खाई हुई ग़ज़ा को निकाल रहा है, तो क्या वो ये चाहेगा कि यह ग़ज़ा मुझे मिल जाए और मेरा पेट भर जाए? हरगिज़ नहीं। इसलिए कि वो ग़ज़ा चाहेगा लेकिन पाक ग़ज़ा चाहेगा, उसका ज़मीर गवारा नहीं करेगा कितना भी भूख क्यों ना लग रही हो। वो किसी ऐसे इंसान को लालची नज़रों से नहीं देखेगा जो अपने दांतों में खिलाल कर रहा हो कि उसके कुछ ज़र्रात इंसान को मिल जाएं, हरगिज़ ऐसा नहीं करेगा। आज़ाद इंसान ऐसा ही है। आज़ाद इंसान इस दुनिया को लुमाज़े की तरह समझता है। अल्लाह हुर्रुन यदौ हाज़िहिल लुमादा लिअहलिहा लिअन्ना लैसा लिअन्फुसिकुम समनुन इल्लल जन्ना। आगाह हो जाओ कि आज़ाद इंसान क्या इस तरह से नहीं है कि इस दुनिया को उसके अहल के लिए छोड़ दे। हम किसी के दांतों के खिलाल करने की बुनियाद के ऊपर जो छोटा सा गोश्त का एक टुकड़ा है या एक ज़र्रा है उसे खाने के लिए तैयार नहीं हैं। ये इंसान के बेदारी ज़मीर की दलील है और इंसान के वाकई इंसान होने की दलील है। अमीरुल मोमिनीन इससे बढ़कर वो इस मकाम पर हैं कि इस दुनिया को लुमाज़े की हैसियत से देखते हैं। लुमाज़ा है ये दुनिया, यानी हम दुनिया की तरफ कभी रग़बत नहीं कर सकते, दुनिया की तरफ जा नहीं सकते, दुनिया से हम दीन का सौदा नहीं कर सकते। ये हुर्रियत का पैगाम है, ये मकतबे हुर्रियत है, ये आज़ादी है। एक आज़ाद इंसान कभी भी दुनिया की तरफ नहीं जाएगा। अब आप इसको मुलाहजा करें, आज जो दुनिया का सबसे बड़ा मजहर है वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। तवज्जो कीजिएगा, मौलाए कायनात ने क्या फरमाया, अला हुर्रुन यदौ हाज़िहिल लुमाज़ा लिअहलिहा लैसा लिअन्ना लैसा लिअन्फुसिकुम समनुन इल्लल जन्ना फला तबीउहा इल्ला बिहा। तुम अपने नफ्सों को दुनिया के लिए ना बेचो, इसलिए कि तुम्हारे नफूस की सिर्फ एक कीमत है और वो बहिश्त है और वो आज़ादी है। आज़ादी बहिश्त, बहिश्त और आज़ादी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि तुम्हारी नफ्सों की एक कीमत है और वो बहिश्त है, और बहिश्त ग़ुलामों को नहीं मिलती। आज़ाद इंसान बहिश्त का हकदार होता है। जो ग़ुलाम होता है वो दुनिया के पीछे जाता है, जो दुनिया के पीछे जाएगा उसे बहिश्त नहीं मिलेगी। आज की इस दुनिया में
तमाम तर मादी तरक्की का जो मजहर है उसका नाम है अमेरिका। तवज्जो कीजिएगा, उसका नाम है अमेरिका। और आप आज तमाम आलम इस्लाम को देखें, क्या कहा मौला ने, अला हुर्रुन यदउ हाज़िहि लुमाज़ा लिअहलिहा लिअन्ना लैसा लिअन्फुसिकुम समनुन इल्लल जन्ना फला तबीउहा इल्ला बिहा। मौला कहते हैं एक आज़ाद इंसान किसी के मुंह में बचे हुए गोश्त के लोथड़े को रगबत से नहीं देखता कि मुझे मिल जाए। फिर मौला कहते हैं मेरे नज़दीक दुनिया ऐसी है, यानी वो जो मेरे नक्शे कदम पर चल रहा है, वो जिसने दर से हुर्रियत लिया है, वो जिसका ज़मीर आज़ाद है, वो जिसके वजूद के अंदर ग़ुलामी नहीं पाई जाती, वो इस दुनिया को एक लुमाजे की हैसियत से देखता है, एक ऐसे फंसे हुए दहन में लुकने की हैसियत से देखता है जिसकी तरफ कोई रगबत नहीं है। हम दुनिया की तरफ मुतवज्जे नहीं होते, हम उकबा के बारे में सोचते हैं, उकबा के बारे में फिक्र करते हैं। तो आज इस दुनिया के तरक्की याफ्ता इस निज़ाम में जो सबसे ज़्यादा मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी मादियत का जो सबसे बड़ा एक निज़ाम है उसे अमेरिका कहा जाता है। आलम इस्लाम को आप देखें कि किस तरीके से आलम इस्लाम, अमेरिका जब अपने दहन को खोलता है तो उसकी बची हुई जो बोटियां हैं उसको खाने में मशगूल हैं। ये पूरा आलम अरब इसी तरीके से मशगूल है, लेकिन वो जो वारिस अली है, जो वारिस हुर्रियत है, जो वारिस आज़ादी है, उसने कहा कि मैं अली के मकतब का परवरदा हूँ, मैं हरगिज़ किसी अमेरिका के दहन को खोलने का इंतज़ार नहीं करूँगा कि अपना मुँह खोले तो मुझे कुछ मिले, वो अपना मुँह खोले तो मुझे टेक्नोलॉजी मिले, वो अपना मुँह खोले तो हमें इल्म मिले, वो मुँह खोले तो हमें साइंस मिले, नहीं, बल्कि मैं अली के मकतब का परवरदा वो शागिर्द हूँ कि अमेरिका के मुँह पर एक ऐसा तमाचा लगाऊंगा, एक ऐसा तमाचा लगाऊंगा कि उसकी ढेपड़ी निकल जाएगी। ये कुछ क्या है, ये कुछ एक तमाचा है जो वारिस अली ने अली के मकतब के वारिस ने, अली के शागिर्द ने सबसे बड़ी ताकत के मुंह में लगा के बताया कि आजाद इंसान किसी के दहन की रोटी नहीं तलाश करता, वो अपने कुव्वत बाजू में भरोसा करता है। और उसने ये कह के बताया कि आज पहला तमाचा 44 साल पहले खुमैनी लगा रहा है, और मेरे मकतब के परवरदा, ए आजाद मंदो, ए आजाद जमीर लोगों, याद रखना हर साल जब भी कुछ आएगा तुम्हें तमाचे लगाते रहना है ताकि अमेरिका को अपनी औकात पता चल जाए। आप बताएं किसने तमाचा लगाया, ये जो मकतबे अलवी का शागिर्द है उसने ये तमाचा लगा के बताया। आज जो आप देख लें टेक्नोलॉजी का, साइंस का, मादियत का सबसे बड़ा मजहर कौन है, आप कहेंगे अमेरिका। और उस अमेरिका के मुकाबले पे कौन खड़ा है, कौन खड़ा है, जो वारिस इल्म पैगंबर है, जिसे पैगंबर ने कहा कि बाब इल्म नबी है, वो खड़ा हुआ है। इसका मतलब यह है कि अगर हमें मुकाबला करना है इस्तेमार का, हमें मुकाबला करना है साम्राज्य का, तो हमें आना होगा शहर इल्म की तरफ, और शहर इल्म की तरफ अगर हम आएंगे तो हमें आना पड़ेगा बाबे इल्म नबी की तरफ, बाबे मदीनतुल इल्म की तरफ, और इसी रास्ते के ज़रिए से हम मुकाबला कर सकते हैं। अब यहाँ पर यह मरहला नहीं है कि और ज़्यादा तफसील से कुछ बयान किया जाए, दानिश्वर हज़रात उलमा आपकी खिदमत में बयान करेंगे, लेकिन एक रुख जिसे रहबर इनकलाब इस्लामी ने पेश किया था कि मरहला सिर्फ कुछ का नहीं है और इस बात का नहीं है कि हमारी सरजमीन को छीन कर उस पर कब्जा करके और मुसलमानों को सताया जा रहा है, मसला सिर्फ ये नहीं है, मसला ये है कि हमारी सरजमीन को न सिर्फ छीना गया बल्कि उसी सरजमीन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देखें कि किस तरीके से ये अरब ममालिक दोस्ती की पेंगे बढ़ा रहे हैं इसराइल के साथ में, और ये इस बात की दलील है कि इनके वजूद के अंदर कतई तौर पर हुर्रियत नहीं पाई जाती, कतई तौर पर इनके अंदर आज़ादी नहीं पाई जाती। अगर आज़ादी ज़मीर होती तो मुतवज्जे होते, और मुतवज्जे कहाँ से हों जब बाब इल्म को छोड़ेंगे, जब उस दर को छोड़ दिया जाएगा कि जहाँ पैगंबर ने बताया था कि मेरा वारिस कौन है, इल्म हिकमत को जब आप छोड़ देंगे, सल्तनत के पीछे जाएंगे, इल्म हिकमत को छोड़ देंगे, मुलुकियत के पीछे जाएंगे, तो सल्तनत हमेशा जलील करती है, विलायत आबरूमंद करती है,
विलायत बताती है कि किस तरीके से सर उठा के जियो। विलायत कहां बताती है? सर कट जाता है, नोके नेजे पे हुसैन आवाज देते हैं, अला इन दई वबन दई कद रकदनी बैन सनतई बैन सलत वदल्ला हयात मिन नसल्ला। कहां से ये शियार आएगा? ये करबला बताएगी कि सर कट जाए लेकिन सर झुके नहीं। हुसैन आवाज दे रहे हैं, मेरे चाहने वालों, मेरे मानने वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ने वालों, मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वालों, तौहीद की गवाही देने वालों, रिसालत की गवाही देने वालों, ऐसा न हो कि मैंने अपने सर को कटा दिया लेकिन सर कटने के बाद भी नौके नेजा पे बुलंद रहा। ऐसा ना हो कि सर तुम्हारे तनों पर रहे और तुम सर निगू हो जाओ। ये करबला बताती है, वो दर्से हुर्रियत जख्मों से चूर हुसैन, जख्मों पे जख्म, तलवारों पे तलवारें, नेजों पे नेजे, लेकिन उस मंजिल पर जब देखना चाहा दुश्मन ने के रमक हयात बाकी है कि नहीं और हमला करना चाहता है, डर रहा है ये वारिस हैदर कर्रार है, ये वारिस फातह खैबर है, डर रहा है क्या करे, तो उस मंजिल पर क्या कहता है कि अभी मैं पता करता हूँ कि हुसैन जिंदा है कि नहीं, खयाम की तरफ हमला कर दो। उस मंजिल पर दर्से हुर्रियत दिया है। ये मकतब, ये मकतब यह है कि जिस पर जितना इफ्तिखार करें कम है, ये हमारा मकतब है जो हमसे कहता है ये न देखो कि तुम्हारा मजहबी मसलकी फ़र्क किससे क्या है, क्या है नज़रियात क्या है, नहीं ये देखो कि इंसानियत मजलूम कहाँ पर है। जहाँ मजलूम है वहाँ पर खड़े हो जाओ, जालिम के खिलाफ एक आवाज़ बन जाओ, शीशा पिलाई हुई दीवार बन जाओ, उनके जुल्म के खिलाफ आवाज़ बन जाओ, दहकते हुए अंगारे बन जाओ, नशे मने जुल्म सितम पे गिरो। हुसैन आखिरी मरहले में जब ताब नहीं तवानाई नहीं जख्मों पे जख्म है, उस मंजिल पर जब जालिम कहता है हमला कर दो खयाम की तरफ, आवाज़ क्या देते हैं, या शियत आला अबी सुफयान इन लम यकुन लकुम दीनुन व कुंतुम ला तखाफून अल मआद फकूनू अहरारा फी दुनियाकुम। ए अबी सुफयान के मानने वालों, अगर तुम्हारे पास दीन नहीं है तो कम से कम अपनी दुनिया में तो आजाद रहो। ये दर्से हुर्रियत है जो करबला दे रही है। हमने उसी दर्से हुर्रियत को करबला से लिया, हमने उसी दर्से हुर्रियत को गदीर से लिया, हमने उसी दर्से हुर्रियत को रिसालत से लिया, नबुव्वत से लिया, इमामत से लिया, और आज दुनिया में जहां जहां देखे जो आजान विलायत अली के इश्क में डूब कर उठ रही है और आवाज आ रही है, बस वो आजान इस्तेमार को ललकार रही है, साम्राज्य को ललकार रही है। चाहे वो आजान ईरान से बुलंद हो रही हो, चाहे इराक से बुलंद हो रही हो, चाहे लबनान से बुलंद हो रही हो, इसलिए कि गदीर ने हमें ये बताया, गदीर ने हमें ये सिखाया, जहां कहीं भी जुल्म हो उसके खिलाफ आवाज बन जाओ। गदीर पर हम इफ्तिखार करते हैं, हमारा इफ्तिखार गदीर है, हर एक को अपने गले से लगाते हैं। तुम गदीर को मानते हो ना मानते हो, तुम गदीर को तोड़ मड़ो के पेश करो न पेश करो, तारीखी हकीकतों को तुम भुला दो न भुला दो, लेकिन हम उस हकीकत को गले लगाकर तुम्हें हरगिज नहीं फरामोश करेंगे। इसलिए कि जहां कहीं भी तुम मजलूम वाके होगे, तुम देखोगे कोई हाथ तुम्हारे पीछे नहीं है, लेकिन गदीर का हाथ नजर आएगा, गदीर का हाथ दिखेगा। और अब ये वो मंजिले फिक्र है कि जहां पर आलम इस्लाम को समझने की जरूरत है कि हकीकी पैगाम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के ज़रिए से दिया था, रसालत के ज़रिए से दिया था, वो पैगाम कहाँ है? खुद फरामोशियों की भूल भुलैयों में सब कहीं गुम हो गया, तलाशना पड़ेगा कि पैगंबर ने क्या कहा था। जो हकीकी कुछ है ये एक हम सब के लिए सदाए बाज़गश्त है, ये उस नुक्ते पर पलटो कि जिस नुक्ते पर पैगंबर तुम्हें मुतवज्जह करके गए थे, और अगर हम उस पर रहते तो किसी माँ ने ऐसा लाल नहीं जना था कि जो यहूदियों के किले को फतह कर लेने के बाद दोबारा जुरत करता कि दोबारा से हम हासिल कर लेंगे, इसलिए कि माएँ बताती बेटा कभी अली से मुकाबला न करना। लेकिन मंजिल ये थी कि हमने भुला दिया, फरामोश कर दिया। आज मजल्लतें हमारा मस्कन बन गई। आज भी अगर हमें इज्जतों और सरफराजियों तक पहुंचना है तो हमें देखना होगा पैगाम विलायत क्या है, पैगाम नबूवत क्या है, पैगाम रसालत क्या है, पैगाम गदीर क्या है। गदीर के साए में कल भी हम आबरूमंद होकर जिए थे, आज भी आबरूमंद होकर जी सकते हैं। ये कुछ का पैगाम है कि इंसानियत के लिए जियो। तुम्हारा दिल इतना बड़ा होना चाहिए कि हर एक मजलूम तुम्हारे दिल में जगह ले सके, और ये एक मंजिल है कि जिसे आज हम सबको समझने की ज़रूरत है। और अगर हम मुत्तहिद होकर एक मंजिल पर जमा होकर शुऊर विलायत अपने वजूद के अंदर रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो यकीनन वो दिन दूर नहीं कि जब हम
एक मंजिल पर उसी तरीके से परचम इस्लाम को लहराने में कामयाब हो जाएंगे जिस तरीके से अली इब्ने अबी तालिब ने बाबे खैबर को उखाड़ा और परचम इस्लाम को नस्ब किया। यकीनन हमारे लिए अज़्म पहम ज़रूरी है, हमारे लिए फ़िक्र रसा ज़रूरी है, हमारे लिए बेदारी ज़मीर ज़रूरी है, और इन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है हमारे वजूद के अंदर हुर्रियत का पाया जाना, शऊर हुर्रियत। हम कितना आज़ाद हैं, कितने ग़ुलाम हैं, क्यों आज़ाद अगर नहीं है तो क्यों, ग़ुलाम हैं तो क्यों, यही सवाल है जो कुछ हमें मुतवज्जे करता है। उम्मीद है कि हम इस पैगाम में कुछ को समझ सकें और फिर इसके मुताबिक जो पैगाम है दो लोगों को दुनिया को आगाह कर सकें, और एक दिन वो आए कि न सिर्फ कुछ हर एक सरजमीन जो किसी मजलूम से छीनी गई है हम उसको दोबारा से हासिल कर सकें, और अगर हासिल करना है तो बस उसके लिए यही ज़रूरी होगा कि उस तमाम तर इख्तलाफात को, मसलकी नज़रियाती इख्तलाफात को भुला कर उस मंजिल पर आएँ कि जहाँ पर हम देख रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग सियासी पॉलिसी है। ठीक है मसलक आप देखेंगे वो कोई मुलुकियत नहीं है, वो कहीं सल्तनत नहीं है, वहाँ विलायत नज़र आती है, वहाँ गदीर नज़र आता है, फ़िक्र गदीर, इसको समझने की ज़रूरत है। एक सलावत पढ़ें मोहम्मद वाले सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले तौहीद हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद नजीबुल हसन ज़ैदी साहब पुरमाउस और पुरजोश जज्बों को सैतल करने वाली, रूहों को बरमा देने वाली तकरीर से आप हजरात के कुलूब को मुनव्वर कर रहे थे। आपने सरजमीन कुछ और उससे वाबस्ता और यहूदियत और ये तमाम चीज़ें बताई। अल्लामा अकबाल ने कहा था कि बढ़ के खैबर से है ये मारे गए दीनो वतन, बढ़ के खैबर से है ये मारे गए दीनो वतन, इस ज़माने में कोई हैदर कर्रार भी है? ये सवाल अल्लामा अकबाल ने सदी पहले कायम किया था, लेकिन हैदर कर्रार के एक लाल ने खुमैनी बनकर ईरान से सदा दी कि हाँ अगर यहूदियत सरजमीन फिलिस्तीन पर अपना कला बनाएगी तो आज भी हैदर कर्रार का भी खाबू की ताबीर आयतुल्लाह खुमैनी के पैकर में देखी तो आयतुल्लाह खुमैनी को जमात इस्लामी ने बढ़कर अपना